हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं ये जो कूलर देख रहे हैं ऑप्टिमस रमडन का सबसे बेस्ट कूलर है। प्लस में अभी नया में कंपनी क्या कर दिया है, बैरिंग के साथ में मोटर दे रहा है जो कि सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे कूलर में क्या होता है, जाम होने का संभावना ज़्यादा रहता है। इसमें जो कंपनी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर दिया है। अब आवाज़ आ सकता है बट जाम वाला प्रॉब्लम सॉल्यूशन परमानेंट के लिए हो चुका है। ये रहा ऑप्टिमस, इसको चालू करने के लिए यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, तो इसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद फैन का स्पीड है घटाने और बढ़ाने के लिए, तो यहाँ से अपना फ़ैन का स्पीड घटा और बढ़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको मिल जाता है पंप, उसके बाद पंप एंड स्विंग और उसके बाद स्विंग। तो अगर इस पर हम खाली केबल कर रहे हैं तो केवल यहाँ पे पंप ही काम करेगा। ठीक है, यहाँ समझा ना बोलूँगा। और उसके बाद यहाँ पर पंप एंड स्विंग है, तो यहाँ पर दोनों काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्विंग है तो केवल यहाँ पर स्विंग काम करेगा, ठंडा हवा नहीं देगा, केवल गर्म हवा देगा, तो हवा का दिशा चेंज करेगा। यहाँ पर जो है पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, भरने के बाद चैम्बर इसको बराबर में रखिएगा तभी चारों तरफ पानी गिरेगा, नहीं तो अगर एक साइड रख रहे हैं तो फिर दिक्कत है, तो पानी एक ही साइड गिरेगा। ठीक है, तो पीछे का कुछ लपड़ा है तो आइए आपको हम समझा दें। तो वहाँ से पंप को चालू कर लेना है। पानी को ड्रेन करने के लिए यहाँ पर हाई लो और ड्रेन लिखा हुआ है। ये जो पतला वाला नॉब देख रहा है, अगर इसको जिस दिशा में ले जाइएगा उस दिशा में वो काम करेगा। ये मोटा वाला नहीं, ये पतला वाला ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इसको हमको पानी ड्रेन करने के लिए यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको चालू करेंगे पानी फेंकना स्टार्ट कर देगा। देखिए, तो इसमें कंपनी फैसिलिटी दे देती है पानी, हाँ हाँ पानी निकालने के लिए। बस इसको चालू कर दीजिए, पानी ड्रेन करना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इसलिए लगाना पड़ता है, लगा दीजिए पाइप लगा के या बाल्टी लगा के उसमें निकाल के जैसे आराम से खाली कर दीजिए। ठीक है, पानी निकाल सकते हैं। और डालने के लिए जो यहाँ पर है ये देखिए, इसमें अपना पाइप फंसा दीजिए और इसमें कर दीजिए, पानी डाल दीजिए। यहाँ पर आराम से पानी डाल सकते हैं। और पानी डालने के लिए यहाँ से भी पाइप अगर पतला वाला होगा तो यहाँ से भी लगा के आप पानी डाल सकते हैं, बस यही। और पानी निकालने के लिए एक जगह और ऑप्शन, जैसा अगर लाइन नहीं है, अगर सारा पानी निकालना तो इसके अंदर एक रबर दिया हुआ है, देखिए इसको भी निकाल कर आपको हम दिखा दें, यही रबर है पानी निकालने के लिए। ठीक है, यही सब था। ठीक है, सारे कूलर में होता है पानी नीचे से निकालने के लिए। अभी ना इसका बाय मत।